खबरों के बाद अब वक्त हो गया है बहस का। आज का मुद्दा है बेपरवाह बिल्डर, बेहाल ग्राहक। दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों की मनमानी की वजह से हजारों ग्राहकों के घर के सपने पर ग्रहण लगा हुआ है। बिल्डर है कि ग्राहकों की तकलीफ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, और ग्राहक है कि अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर घर खरीदने में उसे नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। IBN 7 ने ऐसे ही बिल्डर के खिलाफ मुहिम चलाई है और उनका दर्द, जो मकान खरीदने वाले हैं उनका दर्द आपके सामने रखने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज भी हम बहुत सारे लोगों से बात करने वाले हैं। अभी तक हमारी मुहिम का क्या असर हुआ है ये भी आप देखेंगे, और इन मुद्दों में आज कौन सी चीजें ऐसी हैं जहां और काम करने की जरूरत है ये भी आज हम हाईलाइट करेंगे। मगर पहले देखिए ये रिपोर्ट बहस अब से सिर्फ 4 मिनट 58 सेकंड के बाद। आम्रपाली बिल्डर्स की वादा खिलाफी से परेशान होकर प्रदर्शन करते लोग, अपने हक की लड़ाई लड़ते घर खरीदारों को गौर संस के कर्ता धर्ता की धमकी, और मैक्स बिल्डर की बनाई सोसाइटी में ग्राहकों की मुसीबत। ये 3 तस्वीरें घर खरीद चुके ग्राहकों और घर खरीदने का सपना देखने वाले लाखों करोड़ों लोगों के लिए चेतावनी है और सबक भी। ये तस्वीरें कई सवाल भी खड़े करती हैं। क्या बैंकों से लाखों का मोटा लोन लेने भर से घर खरीदने की आपकी चाह पूरी हो जाएगी? क्या बिल्डर आपको वादे के मुताबिक वक्त पर फ्लैट बना कर देगा? क्या फ्लैट वक्त पर नहीं देने वाले बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? इस तरह के न जाने कितने ही सवाल ग्राहकों के दिमाग में कौन रहे होंगे। ग्राहकों की इसी मुसीबत को कुछ कम करने और घर की मुहिम में IBN 7 लगातार ग्राहकों की परेशानी सरकार तक पहुंचा रहा है। ये मुहिम रंग भी लाई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों की मनमानी के मुद्दे पर CM अखिलेश यादव ने दखल दिया है। CM ने लोगों को भरोसा दिया है कि सरकार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। अखिलेश ने अथॉरिटी को मामला सुलझाने के निर्देश दिए हैं। जांच कर करके मैं अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि आम लोग और जिन्होंने बुक किए हैं फ्लैट उनको असुविधा ना हो, और जो भी कमी है किसी की तरफ से या जो भी अन्याय कर रहा है उसका निराकरण करने का काम सरकार का है, जिम्मेदारी सरकार की है। मैंने आपसे कहा कि जो समस्या है नोएडा की फ्लैटों की, जिन्होंने बुक किया है या बिल्डर के साथ जो बातचीत है, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। आपको बता दें कि IBN 7 लगातार परेशान ग्राहकों का मुद्दा उठा रहा है। पहले आम्रपाली और फिर गौरसन समेत तमाम बिल्डरों के ग्राहक IBN 7 से अपनी परेशानी साझा कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ ग्राहकों ने नोएडा में आम्रपाली बिल्डर्स के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने आम्रपाली के ब्रांड एम्बेसडर और टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को घेरना शुरू कर दिया। इसके बाद धोनी ने भी लोगों का साथ देते हुए आम्रपाली से किनारा कर लिया। ये मामला एक बिल्डर भर का नहीं है। दिल्ली और NCR में तमाम बिल्डर्स से लोगों की यही शिकायत है। अपनी शिकायत लेकर जब गौर सोसाइटी में रह रहे लोग MD मनोज गौर के पास पहुंचे तो बिल्डर की गुंडागर्दी का नमूना सामने आ गया। अगर आप किसी को थ्रीटन करते हो कि आपके साथ में ये कर दिया जाएगा, आपको गायब कर दिया जाएगा, तो ये इस तरीके का मतलब आंसर हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और वो भी किसी छोटे मोटे व्यक्ति से नहीं, MD जो कि एक मतलब इतनी बड़ी कंपनी और वेल नोन ब्रांड जो है। गौरतलब है कि नोएडा में 60 से 70 हजार ऐसे ग्राहक हैं जो बिल्डरों की मनमानी की वजह से अपने घर की रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे। इसी तरह ग्रेटर नोएडा में 20 से 30 हजार ग्राहक ऐसे हैं जो बिल्डरों की मनमानी की वजह से अभी तक रजिस्ट्री नहीं करवा पाए हैं। लोगों का आरोप है कि उन्हें बिल्डर पोजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। दरअसल बिल्डर पर अथॉरिटी के करोड़ों रुपए बकाया है, इस वजह से वो पोजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे। सवाल यह है कि आखिर इसमें ग्राहकों की क्या गलती है, और जब सवालों के घेरे में बिल्डर आए तो उनका रटा रटाया जवाब होता है कि ग्राहकों की परेशानी जल्द सुलझा ली जाएगी। रियल एस्टेट इज नॉट अ वेरी इट्स अ स्कैटर्ड इंडस्ट्री, इट्स नॉट अ वेरी कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री। लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आर देयर, ह्यूज एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर्स। दे मे बी राइट आल्सो, बिकॉज वी आर आल्सो गिविंग देम लॉट ऑफ प्रॉमिसेस। सो ड्यूरिंग दोज कोर्स, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो और दूसरी सोसाइटीज में है वहाँ पर, जो कि हर एक 100 में से 100 लोग कभी भी जो है सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। लार्ज पब्लिक इज एंजॉयिंग इट देयर, आप जाके वहाँ पर कुछ देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं फरीदाबाद की ओमैक्स सोसाइटी की। ये लोग बिल्डिंग की लिफ्ट ठीक कराने की शिकायत लगातार कर रहे हैं, मगर आरोप है कि बिल्डर इस पर ध्यान नहीं दे रहा। हालत यह है कि ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग बिना लिफ्ट के कई मंजिल उतर चढ़ रहे हैं। ओमैक्स बिल्डर के खिलाफ 10 दिन पहले शिकायत मिलने के बाद IBN 7 ने यह खबर कवर की थी। कोई बात करने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं है,
आते हैं फिर इग्नोर करके चले जाते हैं। कम से कम 2000 बार ऐसा हो चुका होगा, और लिफ्ट इतनी बार फंस चुकी है, मैं तो भेजता ही नहीं अपने बच्चों को अकेला लिफ्ट में। और अगर किसी दिन गलती से भेज दिया जाए तो हम नीचे तक देखते रहते हैं कि वो नीचे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। घर नहीं मिल रहा तो मुसीबत, घर मिल गया तो भी मुसीबत खत्म नहीं। रियल एस्टेट बिल पास होने के बाद ऐसा लगा कि बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगेगी, मगर इसका कोई खास असर अभी तक दिखाई नहीं दिया है। इस बीच केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू कह चुके हैं कि मनमानी करने वाले बिल्डरों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। दे हैव टू अडहेयर टू द शेड्यूल, व्हाट हैज बीन प्रॉमिस्ड हैज टू बी फुलफिल्ड। बिकॉज ऑफ सच एग्जांपल्स ओनली द रियल एस्टेट बिल वाज नेगोशिएटेड। वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्रेमिंग ऑफ द रूल्स। वंस द रूल्स आर फ्रेम्ड शॉर्टली द एक्ट विल कम इनटू फोर्स एंड एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द पीपल रिस्पांसिबल। बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार की सख्ती के ऐलान का मनमानी करने वाले बिल्डरों पर कोई खास असर होगा? कहीं रियल एस्टेट बिल कागजों पर ही तो नहीं सिमट जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। बायर एक ही बात कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह बिल्डर से बात तो हो जाए, लेकिन वो हमारा फोन उठाते ही नहीं है, सामने मिलने की बात तो बहुत दूर है। चर्चा में आज हमारे साथ हैं बीजेपी की नेता विमला बाथम, जो MLA हैं नोएडा के इस इलाके की। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सैयद असीम वकार साहब हमारे साथ हैं। आप तीनों को आज मैं साक्षी बना रहा हूं, क्योंकि आप वो लोग हैं जो समस्याओं को हल कर सकते हैं, और ये समस्याएं बेहद बड़ी हैं। नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक कुमार हमारे साथ हैं, और AOA सफायर के सदस्य जयंत कुमार, जो बायर्स का पक्ष रखेंगे, वो भी हमारे साथ हैं। गौर सन्स के CMD मनोज गौर भी हमारे साथ हैं। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कई बिल्डर ये हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि सीधे सीधे सवाल उनसे पूछे जाएं, और वो सवाल पूछने से बचते भी हैं। आप बाकायदा सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप वेस्टर्न UP के क्रेडाई के अध्यक्ष भी हैं, और उस तौर पे हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपसे समझना चाहेंगे कि बायर्स की मदद कैसे की जा सकती है। सबसे पहले उनसे बात करते हैं जो सबसे बड़ी समस्या इस इलाके की है, उससे जूझ रही हैं सुबह शाम। विमला बाथम जी, आप देश की सत्ताधारी पार्टी की MLA हैं, जब बड़ी संख्या में लोग आपके पास सुबह शाम आ रहे हैं इन दिनों, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रही हैं? देखिए, आजकल नहीं, ये लगभग 2 साल हो गए तब से लोग हमारे पास आ रहे हैं। समस्या जस की तस इसलिए है क्योंकि बिल्डर फोन पे नहीं आते हैं, जो मालिक हैं वो अपने वकील से या अपने जो नीचे के अधिकारी हैं उनसे ही सिर्फ बात हमारी हो पाती है। अगर बिल्डर से रूबरू बात हो तो हम उनकी समस्या भी समझें, और उनकी हो सकता किसी काम भी आ सके। विमला जी, आप MLA हैं इस इलाके की, आप देश की सत्ताधारी पार्टी की नेता हैं, और आपकी बात भी नहीं सुनते बिल्डर? जी, सुन मतलब आए तो लाइन पे नहीं आते, वो अपने जो उनके जो जूनियर्स हैं उनसे बात कराते हैं। आपको मैं बताऊं आंकड़े, 50 से 70 हजार लोग ऐसे हैं जिनको फ्लैट नहीं मिला, सिर्फ नोएडा की बात, मैं ग्रेटर नोएडा की बात नहीं करूं, सिर्फ नोएडा की बात। यानी तय समय सीमा पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद 50 से 70 हजार ऐसी शिकायतें आपके पास है जिनको कि नहीं मिले फ्लैट अभी तक, और 7000 करोड़ अथॉरिटी के देनदार हैं ये बिल्डर, जो अभी तक अथॉरिटी नहीं दिया, अथॉरिटी के दिया नहीं, अथॉरिटी इनको पोजेशन नहीं दे रही, ये बायर्स को नहीं रजिस्ट्री नहीं करा रहे। ये एक मुद्दा इतना बड़ा इस समय आपके चैनल के द्वारा मैं कहूंगी, जो बायर्स के ऊपर आने वाली मुसीबत है, वो 2% जो स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो उसमें क्या हो रहा है कि एक पहली बात तो नोएडा में 2% बढ़ना नहीं चाहिए, नोएडा ग्रेटर नोएडा दोनों जगह। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि सारे प्रदेशों में, सारे मतलब यूपी के सारे शहरों में 7% है, हम नोएडा ग्रेटर नोएडा क्यों छोड़ें? हमारी दलील ये है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इसलिए आप छोड़ें क्योंकि हम लीजी हैं, हम फ्री होल्ड नहीं, हमारे पास कोई चीज़ है, आप फ्री होल्ड कर दीजिए, 7 क्या 8% हमारे लोग देने को तैयार हैं। नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर एक ये समस्या सुलझ जाए और उत्तर प्रदेश सरकार तैयार हो जाए तो बहुत सारे बायर्स की भी और बिल्डर्स की दोनों की समस्याएं सुलझ जाएंगी? नहीं, इसमें कम से कम एक कदम, जो अभी आने वाली मुसीबत है, जो इन्होंने अभी किसी अखबार में, शायद हिंदुस्तान टाइम्स में आ गया है, पहले तो इन्होंने हमें 4 महीने के लिए बोला था 4 महीने तक हम नहीं 7% करेंगे, लेकिन अभी हमें आज ही किसी का फोन आया कि हिंदुस्तान टाइम्स में न्यूज़ आई है कि हम तो ये 31 अप्रैल 30 अप्रैल को ये बंद कर देंगे।
ये बहुत बड़ी समस्या है जो हम रोज रूबरू हो रहे हैं समस्या से। हमने यहाँ कलेक्ट्रेट को घेरा 8 मार्च को, आदरणीय मुख्यमंत्री को भी मैंने कहा 8 मार्च को विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री को पत्र दिया, लेकिन कोई संज्ञान नहीं हुआ और वो बिल अभी जैसा का तैसा। राजीव त्यागी जी, आपका क्विक कमेंट और उसके बाद में जो बायर्स हैं या फ्लैट ओनर्स हैं उनकी बात समझने आगे बढ़ूंगा। हम एक बात सुनते थे कि ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना है घर पहले आके मांग ले तेरी नजर मेरी नजर। तो जो मिडिल क्लास का एक सपना है ना अपना घर होने का, ये जो सपना अब एक नाइटमेयर बन गया, भयानक सपना आया बन गया। उसका रीजन क्या है, देखिए विमला बाथन जी ने बड़े स्मार्टली जो है ना चीजें प्रदेश सरकार पर टाल दी है। चीफ मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति रिलीफ नहीं दे सकता बिल्डर्स को। कोई रिलीफ नहीं दे सकता, चीफ मिनिस्टर रिलीफ नहीं दे सकते और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ नहीं दे सकते। उसका कारण है, देखिए जी, उसका कारण यह है कि जब देश में पिछले 10 साल में बिल्डर्स बढ़े और पूरे मकानों की संख्या बढ़ी और देश में रियल एस्टेट बढ़ा, तो उस टाइम हम रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल 2013 लेकर के आ रही थी कांग्रेस पार्टी ही, जिसको मोदी सरकार ने चेंज करने का काम किया, उसमें 5 बिंदु चेंज किए। हालांकि कांग्रेस पार्टी के रोकने के बाद सेलेक्ट कमेटी में जब वो बिल गया तो उसको फिर वैसे के वैसे रखा गया। किसी भी हालत में इस बात के लिए तैयार नहीं हूं कि हमारा जो फ्लैट ओनर है और जो बायर है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी अब पॉलिटिकल फुटबॉल बन जाए। नहीं सुनिए आकाश जी, मैं स्पेसिफिक रेजोल्यूशन आपसे मांगूंगा, कानून नहीं होगा हम किसी भी चीज को रोकने के लिए, हम एक एक करके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स लेते हैं और उनको देखते हैं। मयूर भाटिया हमारे कॉलर है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। मयूर भाटिया हमारे कॉलर, जिन्होंने केपटाउन सुपरटेक में एक फ्लैट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो उनकी समस्या को समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप अभी बोलना चाह रहे थे एओए की तरफ से, सुपरटेक की तरफ से जयंत कुमार जी, बिना नियम कायदों के नहीं। जयंत जी, जयंत जी, जयंत जी, जयंत जी, मैं इन लोगों की बात सुना जो यहाँ पर एक बीजेपी नहीं, के सब आप उनसे इन सब बातों को भूल नहीं, बायर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है आज? बायर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे मकान मिले, सबसे पहला प्रथम बात यह, समय पर मकान मिले। हाँ, समय पर मकान मिले सबसे पहला मेन पॉइंट ये है बायर के लिए। और मैं एक ध्यान आकर्षित और भी करना चाहता हूँ दूसरा बात की, आज जितनी सारी समस्या आई हैं आज से 10 साल पहले 8 साल पहले जो नोएडा अथॉरिटी जिन्होंने ये जो लैंड जैसे मायावती की गवर्नमेंट की सरकार थी लैंड दिए, तमाम सारे बिल्डर आए उस समय क्यों नहीं एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी? उस समय सारे तमाम कांग्रेस बीजेपी और ये सारे बहुजन समाजवादी वो लोग कहाँ गए? आज पब्लिक जब हल्ला करने लगी, आज उनके वोट बैंक पर जब चोट पहुंचने लगा तो ये लोग हल्ला करने लगे। मैं बार बार ये बात को दोहराना चाह रहा हूँ कि लास्ट में आप जिनको रिप्रेजेंट करते हैं उनकी बातें सुनते हैं। सबसे पहले प्रीत भार्गव इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, गॉडफ्रे फिलिप्स में काम करते हैं और गौर सिटी वन में इनके पास एक घर है। मनोज गौर जी इस वक्त आपकी बात सुन रहे हैं, प्रीत भार्गव जी अपनी समस्या सामने रखें जो कि बहुत सारे और लोगों की समस्या भी है मेरे ख्याल से। मेरी समस्या यह है कि हमें अभी रजिस्ट्री के लिए सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के इन्होंने हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट के हमें शिफ्ट कर दिया गया उस मकान के अंदर, हमें चाबी दे दी गई है लेकिन रजिस्ट्री अभी तक नहीं खुल रही है। इन्होंने हमसे बात भी करी थी, जब भी इन्होंने कहा था मनोज जी से मिलके आए थे, इन्होंने कहा था कि हम लोगों ने वो दिया है, अप्लाई कर चुके हैं, डीम अप्रूवल के बाद ही हम लोगों को शिफ्ट करते हैं। ऐसा नहीं हुआ हमारे केस में, जनवरी में, मैं नवंबर से रह रहा हूँ, जनवरी में इन्होंने अप्लाई किया उसके सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, आपकी बात हमने सुनी। हमारे साथ एक बात और क्लियर कीजिए, आप इसमें मकान में नवंबर से रह रहे हैं और आपको अभी तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है? नहीं, इन्होंने नहीं मिला और इन्होंने मुझसे रजिस्ट्री के पैसे अगस्त के महीने में ही ले लिए थे। और मेंटेनेंस पे कर रहे हैं आप? मेंटेनेंस ही पे कर रहा हूँ मैं, डे वन से मेंटेनेंस, जिस दिन से मुझे चाबी मिली थी उस दिन से मेंटेनेंस ही पे कर रहा हूँ। मनोज जी ये तो आप ही की कंपनी से जुड़ा मामला है, थोड़ा समझाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक बड़ी टाउनशिप है और इसलिए मैं कागज भी साथ रखता हूं कि लगभग 6000 से ज्यादा जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो मिल चुके हैं। मे बी पॉसिबल कि इनका, क्योंकि हर टावर के अंदर रजिस्ट्री जो है वो मंथ वाइज हो रही है, स्पेशल कैंप भी लगाए जा रहे हैं, सैटरडे संडे को भी जो है रजिस्ट्रार से हमने रिक्वेस्ट करी है और कम से कम 4500 रजिस्ट्रियां वहां पर हो चुकी हैं। तो ये फेजेस के अंदर जो हो रही है हर एक उसके अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर। इनका पर्टिकुलर कोई केस है तो मेरा नंबर और मेरा ईमेल आईडी पूछिए जहाँ पे ये रहते हैं, मेरा पर्सनल ईमेल आईडी इनके पास है,
आप ये आके मेरे से मिल सकते हैं और इनकी जो भी समस्या है उसको इमीडिएटली सॉल्व किया जाएगा। मनोज जी, मुझे जो अभी तक जानकारी आई है, थोड़ा सा एक मिनट सुन लीजिएगा, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। 1600 से ज्यादा ऐसे केस हैं और उनमें से कुछ केस ऐसे भी हैं जिनका वादा आपने मई में किया था पिछले साल और इस साल जनवरी तक भी अप्लाई भी नहीं हुआ है। ये एक बड़ी समस्या है, इतनी देर क्यों हो रही है? देखिए, कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है। पहला कंप्लीशन सर्टिफिकेट गॉडसन्स को सितंबर 2014 में इशू हुआ, सितंबर 2014 में, 15 की भी बात नहीं कर रहा। उसके बाद लगातार जिस तरह से होता, उसमें बहुत बार जो एक्टिविज्म का भी जो है रोल रहता है। बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से है या जो एंड यूजर नहीं है। एक छोटा सा किस्सा मैं शेयर करना चाहूंगा 2 मिनट का, कि एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट 5 महीने केवल इसी बात पर रुका रहा कि जब फाइनल कंप्लीशन होता है तो अथॉरिटी अखबार में अंदर एक इस्तार निकालती है कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन कीजिए। एक फ्लैट होल्डर ने उसमें ऑब्जेक्शन किया, उस ऑब्जेक्शन की वजह से पूरी एक स्पेशल कमेटी बनी और छुट्टियां और सब कुछ होने के बाद 3 महीने के बाद उसकी डेट लगी। जब फाइनली उसकी कंक्लूडिंग हुई तो उन्होंने बताया कि मेरे फ्लैट के सामने टेरेस आ गई है, और जब उनके पेपर देखे गए तो फ्लैट निकला सेकंड फ्लोर पे, टेरेस होती है फर्स्ट फ्लोर। तो कई बार उसकी वजह से 4-4, 6-6 महीने, क्योंकि जब तक वो शिकायत आ गई जब तक दूर नहीं होगी उसके बाद कंप्लीशन इशू नहीं होगा। मनोज जी, 6000 लोगों का मामला आप कह रहे हैं अभी तक आपने सुलझाया है, 1500 से 1700 के बीच में फिगर है जो भी बचा है, कोई डेडलाइन है आपके पास इसके पहले काम पूरा होगा? आप अगर आपकी टीम को मैं चाहूंगा आके देखें मेरे ऑफिस में या ग्रेटर नोएडा के ऑफिस में, अगर आज की डेट में वहां पर किसी की भी रजिस्ट्री हो रही है तो वो गॉड सिटी की रजिस्ट्री हो रही है, इतने लार्ज नंबर के ऊपर, क्योंकि एक एक रजिस्ट्री को कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो उनके पास भी एक लिमिटेड सोर्स है कि हर दिन जो हजारों रजिस्ट्रियां एक साथ नहीं हो सकती। तो जहां तक इनके पर्टिकुलर केस की बात है, मेरे ख्याल इनके पास इन्फॉर्मेशन या तो पहुंच रही होगी या इनके जो इनके टावर की जो रजिस्ट्री। ग्राहक बड़े परेशान हैं और रियल एस्टेट बिल आ जाने के बावजूद लोग कई समस्याएं झेल रहे हैं और आज हम जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है कि आपने पैसे सारे दे दिए लेकिन बिल्डर आपको समय जो उसने प्रॉमिस किया था उसके गुजर जाने के 2-3 साल बाद भी आपका फ्लैट या आपका हाउस आपको नहीं देने को तैयार। मयूर भाटिया इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है, इन्होंने केप टाउन सुपर टेक में फ्लैट खरीदा है और सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मयूर जी हमारे साथ है, सुन सकते हैं? हाँ जी जी। क्रीडाए के वेस्टर्न यूपी के चीफ मनोज गौर हमारे साथ में है, आप अपनी समस्या सामने रखें। सर बहुत सारी समस्या है, एक समस्या नहीं है। सबसे पहले तो पोजेशन को हमारी डेट थी अक्टूबर 2013, अप्रैल 2016 हो गया, बिल्डिंग खड़ी है सच एज इट इज, टावर खड़ा है वहाँ पे, कोई डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ पे सिविल इंजीनियर है, वो कहता है कि अभी भी आपको जुलाई लग जाएगा, अभी भी फिक्स नहीं है काम कैसे होगा, क्या कहाँ तक फिनिश होगा। जो मटेरियल यूज हो रहा है वहाँ पे वो भी हमको बिल्कुल ही सेकंड ग्रेड लग रहा है, हम इतना कुछ ठीक है। मयूर जी हमारे साथ ही रहिए, फोन रखिएगा मत। केप टाउन सुपर टेक में इन्होंने फ्लैट खरीदा है, अक्टूबर 2013 में इनको फ्लैट मिलना चाहिए था और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिखा है कि ₹5 प्रति स्क्वायर फीट इनको बिल्डर को देना चाहिए था। मनोज जी वो आज तक नहीं हुआ है, ऐसी समस्याओं में क्या किया जा सकता है? देखिए, इन्हीं सभी समस्याओं को करते हुए हम पिछले लगभग 1-1.5 साल से अपना एक CGRF फोरम जो है, कंज्यूमर ग्रीवेंस रिडर्सल फोरम जो है, उसको चला रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर चैम्बर्स है उसमें रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के साथ जो है, हमारे क्रेडाई के जो मेन मेंबर हैं उसमें मैं भी बैठता हूँ जो है, और 2000 से ज़्यादा कंप्लेंट उसमें हम सॉल्व कर चुके हैं। सुपरटेक की भी उसमें 300 से 400 कंप्लेंट जो है सॉल्व हो चुकी है। मैं इनको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि पहले तो सुपरटेक से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए, अगर वो नहीं करते हैं तो प्लीज़ एक बार क्रेडाई के www.credainciar.org पे जाके प्लीज़ अपनी कंप्लेंट डिटेल के साथ आप करिए, हमारा ऑफिस डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट करेगा। और हमने काफ़ी समस्याएं वहाँ पे मोर देन हमारा 95% से ऊपर जो है रिजॉल्विंग रिजल्ट है, जो हम लोगों की प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कराने में कामयाब रहे हैं। एक बार वेबसाइट का नाम फिर से बताइए, वेबसाइट का www.credainciar.org। ठीक है, www.credainciar.org। ठीक है, हमारे बायर्स की तरफ से कुछ नहीं होना, वी विल डेफिनेट। ठीक है, बायर्स की तरफ से कुछ और सवाल है वो भी सुनिएगा। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये मनोज जी कि आपकी जो संस्था ने क्रेडाई ने जो रूल बनाई, ये रूल तो आप लोगों ने बनाया है, एक्सटेंशन में किसी भी बायर्स को पेनल्टी नहीं दी जा रही है, पहली चीज है। पेनल्टी पे आप क्या करेंगे? आप तो हम लोगों से 18% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, पेनल्टी की जहां बात होती तो आप कहते हैं भाई जीरो पीरियड है,
मैं नहीं दे सकता हूँ एनजीटी की वजह से और फिर किसानों की वजह से मैं आपको पेनल्टी नहीं दे सकता हूँ, तो फिर आप इंटरेस्ट के लिए भी एक रूल बनाओ ना कि इंटरेस्ट भी नहीं लेने चाहिए बायर्स जिनका डिले पेमेंट है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ सर ये है कि एक प्रॉपर आपको एक जो भी आपके यहाँ जो भी फॉरम जो भी बायर बिल्डर हैं डेवलपर्स हैं अगर वे बायर्स के साथ मनमानी करते तो ठीक है, आपने बताया कि हम उसको निकाल चुके हैं अपने क्रेडाइज से निकाल देते हैं या फिर ये स्टेप लेते हैं, लेकिन निकाल देने से सोल्यूशन नहीं होता है, समस्या का हल उस निकालने से नहीं होता। मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले ही क्यों एग्जामिन करते हैं कि बिल्डर कैसा है, इसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, तो हम इसको क्रेडाई का मेंबर बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। और जहाँ तक बात है क्या काफ़ी बायर्स की शिकायत आ रही है, जैसे आपने कहा था कि आपके यहाँ अभी एक कॉलर था मैं सुन रहा था कि उसने 1600 आपके यहाँ अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि वे बायर्स लगातार एक साथ इतने साल जो सवाल आप नहीं रखते अभी तक जो आपने पूछा उसका जवाब सुन लीजिए पहले। देखिए जहाँ तक क्रेडाई की बात है कि आप कह रहे हैं कि वो 5 रुपये स्क्वायर फीट की पेनल्टी या कुछ है, देखिए क्रेडाई एक संस्था है और अगर किसी डेवलपर और एक बायर के बीच में कोई एग्रीमेंट किया हुआ है तो उस एग्रीमेंट की जो जितनी भी जो शर्तें हैं उसको जरूर हम लागू कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आउट ऑफ दैट उसकी शर्तों से जाना जो है पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कोई हमारे पास लीगल पावर नहीं है। हाँ डेवलपर ने आपको कुछ प्रॉमिस किया हुआ है, लिख के प्रॉमिस किया हुआ है, एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन को मिस इंटरप्रेटेट कर रहा है जो कि एक जनरल प्रैक्टिस नहीं है या ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है या वो अपनी लिखी हुई बात को पूरा नहीं कर रहा है, तो वहां पे क्रेडाई का रोल शुरू होता है कि उस डेवलपर पे अपना दबाव डाले कि नहीं आपको ये बात माननी पड़ेगी। और उसी तहत हमने मैंने जैसे बताया 2000 से ज्यादा केसेस को हमने सॉल्व किया है, हमने कई बार इनको भी इनवाइट किया है, कई बार मीडिया को भी उसी फोरम में हमने इनवाइट किया कि प्लीज आप भी आके देखिए किस तरह से हम प्रोसीडिंग करते हैं। आई थिंक उसमें उत्तर प्रदेश के सत्ताधारी दल से सैयद असीम वकार साहब हमारे साथ हैं। वकार साहब आपके सामने भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती होंगी, इस समय बायर्स ये कह रहे हैं कि शायद ही कोई कंपनी होगी जिसने समय पर अपना फ्लैट नहीं देने के बाद बायर को जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है 5 रुपए स्क्वायर फीट है इतना भी तय होता है वो पैसा पेनल्टी देनी शुरू की हो, इसके बारे में आप कड़ाई से क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं? देखिए जो निजी कारोबार हैं प्राइवेट कारोबार हैं जिनमें ग्राहक डायरेक्ट बिजनेसमैन से जुड़ा रहता है, चाहे वो रिटेल में कुछ खरीद रहा हो या थोक में कुछ खरीद रहा हो, उसमें सरकार तभी दखल दे सकती है जब दोनों में से किसी एक की तरफ से कंप्लेंट सरकार की तरफ रजिस्टर कराई जाए। कंप्लेंट तो आपके पास बहुत आई होगी, निजी कारोबार है। एक बार आपने कभी कंप्लेंट नहीं की क्या? सुनिए तुम मेरी बात क्यों हो जाने दीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि आई नहीं है। देखिए अगर कंप्लेंट ना आई होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद संज्ञान लेकर और खुद पहल करके आगे बढ़कर उन्होंने जिस तरह से बिल्डर्स के मामले में और जो खरीदार हैं जिनके नाम फ्लैट होना चाहिए जो असली फ्लैट के मालिक है जिन्होंने पैसे दे दिए और रजिस्ट्री नहीं हो रही है उनके हक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है वो आपने भी चलाया है। बयान है के साथ कोई हक तल्खी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ है, खुशी है कि बयान आया है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बेहद जरूरी है, बायर बेहद परेशान है और कई साल से परेशान है। सोनी साहब मैंने एक बात मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए जिस तरह से सुन लीजिए सर बात, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जब सरकार को कंप्लेंट मिलने लगती है शिकायतें आने लगती हैं तो सरकार उन पर कार्रवाई करती है, और क्योंकि ये खाली उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां बिल्डरों का राज चल रहा है चाहे वो कोई भी शहर हो। सर नोएडा ग्रेटर नोएडा में जो हो रहा है ये तो उत्तर प्रदेश, और सर हमारे मैं तो इंक्वायरी नहीं कर रहा हूँ, हम बायर्स ने मैंने तो इंक्वायरी नहीं किया, मैं तो आपकी हाँ में हाँ मिला रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि साहब हम बिल्डर के साथ नहीं खड़े हैं, हम बायर के साथ खड़े हैं। सर ये दिखना चाहिए, सर ये दिखना चाहिए कि आप मेरी बात अगर सुनेंगे, सर ये दिखना चाहिए कि आप बायर के साथ खड़े हैं, लेकिन ये दिखता नहीं है सर कि आप बताएं, आपने कंप्लेंट सरकार में लिखाई है क्या? आपने कंप्लेंट लिखाई है, कोई शिकायत काफी कंप्लेंट हम लोगों ने कराई है किसी बिल्डर के खिलाफ? आप मुझे, मैं आपको कल पत्र भी दिखाता हूँ, सब रजिस्टर्ड पोर्ट से हम लोग भेजे हैं, काफी पत्र हम लोगों ने भेजा है, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं होती, अगर कार्रवाई होती तो आज ये दिन नहीं देखनी पड़ती हमें। मुझे भी बोलने जी, आप बोले बायर्स की थोड़ी सी बात सुन लीजिए जी, बकर साहब बायर्स की बात सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिए। मैं खुद कह रहा हूँ, बकर साहब मैं एक चीज और भी बोलना चाहता हूँ आपसे, इस फोरम के माध्यम से करना चाहता हूँ।
हर एक बार बहुत चर्चा होती है, सारा चीज़ होता है, सारे लोग आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ये चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ होने, लास्ट में कौन लूजर होता है? इंडिविजुअल लूजर होता है। लास्ट में रिजल्ट क्या मिलता है? मुझे रिजल्ट चाहिए। और जहाँ तक बात है किसी भी माध्यम से, मैं अपने जस्ट मेरे जेपी यहाँ पर पास में एक जेपी बहुत बड़े बिल्डर हैं, वहाँ पर काफ़ी तमाम लोग बुक किए, मैं भी बुक किया था 2009 में सफायर में, जिसका पोजिशन ले लिया हूँ, मैं रह रहा हूँ, मेरे साथ ही यहाँ पर कलीग है जो यहाँ पर जेपी मिले हैं, अभी तक उनको नामो निशान नहीं है फ्लैट मिलने का, वो बार बार जाते हैं, उनसे कोई मिलता नहीं है। आज मेरे एक जीएम जनरल मैनेजर जो रिजाइन करके इंडियन ऑयल के गए हैं, चरणजीत खुराना, आज जो उन्होंने मुझे ट्वीट करके एक व्हाट्सएप पर किया, अरे जन तुम एसोसिएशन में सब लोगों को बोलो कम से कम आवाज़ सुने। जैसे एबीपी को मैं यहां से भी कहना चाहता हूं कि और सारे चैनल, लेकिन ये एक नेक्सस बनी है, नेक्सस बनी है। मैं तमाम में बता रहा हूं, एक चीज, एक मिनट, एसोटेक एनआरआई रेसिडेंसी यही सेक्टर 45 में, तमाम ऐसे बिल्डर हैं जो अभी तक नहीं दिए हैं, यूनिटेक जो 2006 में स्टार्ट हुआ और वो अभी तक कुछ नहीं दिए हैं, राजीव त्यागी जी, पता नहीं जो अभी से सारे बिल्डर के बारे में, सारे बिल्डर को कहा जाए, खास तौर पे आप देखिए ऐसा लगता है जैसे बिल्डर कुल मिला के कम्युनिटी के रूप में सिस्टम को मास्टर कर चुका है और इसीलिए उसको कानून का भी डर नहीं है। पुलिस में आप जाके रिपोर्ट भी कर दें तो कहता है आप कर दो जो करना हो, मैं कर लूंगा, मैं आपसे अदालत में मिलूंगा, कि कानून का डर नहीं है। 2012 के आसपास से कुछ कंप्लेंट आनी शुरू हुई थी बिल्डर्स की कि वो टाइम से कंप्लीशन नहीं दे रहे हैं, अपने सारे ढांचागत परिवर्तन कर रहे हैं, कार्पेट एरिया में गड़बड़ करके पैसा ज्यादा ले रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल लाने का काम किया 2013 में। मोदी सरकार की दिक्कत यह रही कि उन्होंने बिल्डर्स को एक तरफ तो कहा कि बिल्डर्स की छवि बहुत खराब है, लेकिन दूसरी तरफ यह कहा कि उस मैं उस बिल्डरों को चेंज किया, मैं बिल्डरों को राजनीतिक लड़ाई में नहीं फंसाऊंगा, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं देखिए, और माफ कीजिए बायर्स को, बायर्स की आवाज सुनिए, मैं बायर्स को फंसाना नहीं चाह रहा, मुझे तो आज की स्थिति बताइए, रियल एस्टेट बिल आप सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर पास कर दिया, अब क्या, अब क्या, अब रिजल्ट क्या, रिजल्ट जब तक रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल लोकसभा से पास करके रियल में कानून नहीं बनेगा तब तक कोई कार्य नहीं हो पाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से बायर से मिलने का काम किया, सरकार पर दबाव बनाया, ठीक है, उससे निश्चित बिमला जी सुबह शाम इस बात से जूझ रही, मैं आपके पास भी आता हूं बिमला जी, 30 सेकंड जी। सबसे पहले तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं अपने भाई की, कि ये रेगुलेटरी बिल पास हो चुका है, मोदी सरकार ने जो अमेंडमेंट किए उसमें मनोज गौड़जी बैठे वो भी इस बात से सहमत होंगे कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल पास होगा तो उससे निश्चित रूप से बायर्स और बिल्डर्स के बीच में एक तारतम्य बनेगा। पास हो चुका है, मार्च 2016 में बिल पास हो गया है, देखिए इम्प्लीमेंटेशन की बात, मैं तो कह रहा हूँ पास हो चुका है, लेकिन अभी वेंकैया नायडू जी की बाइट सुनवा दीजिए, मैं बताऊंगा वेंकैया नायडू जी की बाइट आई है बायर बेहद परेशान है और बिल्डर कुछ ऐसे हैं जो सुनते हैं लेकिन अधिकतर सुनने के लिए तैयार नहीं है, ग्राहकों से मिलने के लिए तैयार नहीं है, उनके पैसे उनके पास मिल गए वो उनके लिए काफी है। अभिषेक, आप लगातार बहुत सारे बायर्स की समस्याओं को उठा रहे हैं, आपका बाकायदा एक संगठन है उसके लिए, ये बताइए कि आपकी अपेक्षा समाजवादी पार्टी से और सत्ताधारी दल से क्या है? सर, मुझे लगता है ये समस्या का समाधान बायर खुद से लड़के या कर सकता है, क्योंकि हम लगातार आज के सिस्टम में आप कह रहे हैं बायर किसी भी तरह खुद ही लड़ ले, जो मिल जाए वो मिल जाए, हाँ, खुश हो जाए, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो बहुत, कोई बहुत पॉलिटिकल शर्म पार्टी की बात लग रही है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंटरेस्ट नहीं ले रही, क्योंकि हम लगातार 3 साल से देख रहे हैं, मिल रहे हैं काफी पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर लीडर, टॉप मोस्ट लीडर से मिल रहे हैं, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं मिलता है। और बायर्स प्रोटेस्ट करके कोर्ट जाकर, आप देखें तो ज्यादातर समस्या का हल कोर्ट जाकर ही मिला है। और सर, जो भी बायर्स है उन्हें कुछ बायर्स ऐसे जो नहीं चाहते कि हम, अगर जस्टिस कहीं मिलता है तो आखिरकार अदालत से मिल रहा है, लेकिन उसमें भी समय बहुत लग जाता है, इसलिए जो आम आदमी है वो अदालत जाने से कतराता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग समझते हैं कि बायर के 4-5 साल का टाइम लग जाएगा, कोर्ट जाए या फिर क्या करें, इस असमंजस पड़े रहते हैं। बिमला जी, सिस्टम कैसे बदलेगा? हमारी संस्था ऐसा है, मैं आपको बताऊं, वाकई में बिल्डर जितना जुल्म कर रहे हैं बायर्स पे वो बहुत ही निंदनीय है, जितनी उसकी निंदा की जाए। देखिए, आपने 90% पेमेंट ले लिया, कहीं कहीं तो आज मेरे पास एक ग्रुप ऐसा है जिसने कहा कि हम 100% कर चुके हैं पेमेंट, और फिर भी आज उनके पास पजेशन नहीं है, और पजेशन अगर दे भी दिया तो इतनी सारी चीज़ें, अभी यहाँ परसों मैं गई थी, 119 सेक्टर हमारे यहाँ है जहाँ आम्रपाली
प्लेटिनम का बहुत सुंदर उन्होंने बनाए हैं, लेकिन उसमें क्या है, लिफ्ट 25 मंजिल के मकान है और लिफ्ट नहीं वहां पर, बताइए। दूसरी बात है कि बाहर पेंट तक नहीं हुआ और लोग मजबूर है रहने के लिए, तो ये स्थिति ऐसी है। 80% डेवलपर्स मनोज जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, वैसे एक रिप्रेजेंटेटिव इलाका है नोएडा का, देश भर में इस तरह की चीजें सामने आ रही है, लेकिन मनोज जी जैन जी एक मिनट सुन लीजिए पहले। मनोज जी मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप भी सेंस ऑफ प्राइड के साथ काम करना चाहते हैं कि हमने देश को आगे बढ़ाने में मदद की, आज के सिस्टम से क्या आप खुद एक बिल्डर के रूप में खुश हैं? इतने सारे बायर्स परेशान हैं और ऐसी ऐसी चीजें सारे बिल्डर्स के लिए बोलते हैं, ये सिस्टम बदल सकता है? देखिए, जहाँ पे सरकार के सभी नुमाइंदे और अपोजिशन पार्टी के लोग भी बैठे हैं, समस्या को एक ही तरफ से देखेंगे और एक ही तरफ से एक ही कम्युनिटी को दोष देते जाएंगे तो उसका समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। तो आप अपने मेरे हिसाब से समस्या का लार्ज नहीं दे पा रहे हैं, आप बताइए क्यों नहीं दे पा रहे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है प्रॉब्लम, कि अगर एक बिल्डिंग को शुरू करना है तो कम से कम 40 डिपार्टमेंट से उसका जो है अप्रूवल लेना है। दूसरी बात जो है, जब बिल्डिंग शुरू हो जाती है, आपको नोएडा, आप तो इसी इलाके को रिप्रेजेंट करती हैं, नोएडा एक्सटेंशन के अंदर डेवलपर्स ने गवर्नमेंट से ऑक्शन में जमीन ली, उसके बाद जो है कोर्ट ने उसको जमीन को ही कैंसिल कर दिया, 2015 के अंदर जाके सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लियर किया है, तो सारा दोष बिल्डरों का भी नहीं है। एनजीटी ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट पर रोक लगा दी, उसमें ना आपका दोष है ना मेरा दोष है ना डेवलपर का, बिल्डिंगें बनी खड़ी थी, कोई पोजेशन नहीं दे सकता था, तो ऐसा नहीं। और आप कंप्लीशन लेने भी जा रहे हैं तो कम से कम जो है 10 से 15 डिपार्टमेंटों के एनओसी, जिसमें हर डिपार्टमेंट के पास जो है उसको रोकने की पावर है, कोई सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये क्लियर करना चाहिए कि भाई ये इतनी बड़ी इकोनॉमी को जो है हम चलाते हैं, एक जीडीपी के अंदर इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो ये एक तरफा नहीं है। जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होनी चाहिए, लेकिन बिल्डर्स की दिक्कत पता क्या है? देखिए, लास्ट वर्ड इसमें बायर का हो सकता है, 30 सेकंड जैन जी। मैं लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि एक किसी एक पार्टिकुलर बिल्डर नहीं, मतलब यहाँ से सारे तमाम बिल्डर, जैसे मैं बता रहा हूँ जेपी, मैं सेक्टर 45 के सराउंडिंग की बात, जेपी, एनआरआई रेसिडेंट, एसोटेक, ये सारे तमाम बिल्डर हैं, वो अपने वादे से खिलाफ हैं। मैं यहां तक भी कहता हूं कि हम लोग ने इंडियन ऑयल के जो पब्लिक सेक्टर के, मैं फेडरेशन का भी जानकारी है, पर तमाम जो बायर हैं, मेन पोटेंशियल बायर अक्रॉस द इंडिया है, मैं तो सफायर में खुद रह रहा हूं, ठीक है, उनकी बेसिक समस्या भी है, उनको सॉल्व किया जाए, पास वो करके तैयार भी हैं, लेकिन और ऐसे जैसे जेपी में, जैसे मेरे भाई बंधु अभी तो उनको फ्लैट नहीं मिला, वो रो रहे हैं, उनकी आवाज कहां तक जा रही है, कोई पहुंचने वाले नहीं है। मैं ये सब तमाम बिल्डर्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिव होना होगा, इसके बिना सोल्यूशन नहीं हो सकता, और सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना होगा, ये बेहद जरूरी है, और सारे राजनीतिक दलों को साथ में आना होगा, आपस में झगड़ते रहेंगे तो बायर और फंस जाएगा, ये कुछ जरूरी चीजें हैं, लेकिन अभी तो हमने बस इसको शुरुआती तौर पे समझना शुरू किया है, ये समस्या बहुत गंभीर है। आने वाले दिन में कुछ और भी कार्यक्रम इसी तरह करेंगे, फिलहाल आप सभी का धन्यवाद।